है क्या? वहाँ से देखो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, मैं हूँ आपका दोस्त संतोष केसरानी और आज हम मौजूद हैं रिजवान क्लास वाला, आप चलाते थे रिजवान अकरम क्लासरूम, रिजवान अकरम क्लासरूम, और हमारे ये एज ए उस्ताद रहे हैं और इन्होंने हमें आगे गए थोड़ा सा, इन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया और बहुत इनके साथ एक अच्छा वक्त बीता है इंटू स्कूल टीम में। और ऑलरेडी मैंने हमारे जो इंटू स्कूल के जो हमारे सीनियर इंटूअर हैं उनको मैट्रिक किया है, तो आज एक बहुत प्यारा मौका मिला इनसे बहुत कुछ सीखने को। तो आइए आज इनसे सीखते हैं कि इन्होंने इंटू स्कूल में क्या सीखा और अपनी ज़िंदगी को किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं। तो मिलते हैं रिजवान अकरम क्लासरूम द्वारा। सर वालेकुम सलाम, संतोष कैसे हैं आप? और फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको खुश आमदीद कहते हैं कि आप तशरीफ़ लाए फैसलाबाद और आपने टाइम दिया हमें। ये हमारी खुशकस्मती है कि आपसे मिलने का मौका मिला, और मेरी खुशकस्मती इस हवाले से ज़्यादा है कि मुझे वर्चुअल जिन लोगों से कनेक्शन हुए और वो कनेक्शन इतने स्ट्रॉन्ग थे कि अब वो रिलेशन जो हैं वो फिज़िकली इन्वॉल्व हैं, हम एक दूसरे से जान रहे हैं, एक दूसरे से समझ रहे हैं। तो संतोष उनमें से हैं कि जिनसे हम बिल्कुल स्टार्ट में जब इंटरव्यू स्कूल में है जब संतोष के साथ हमने सीखना शुरू किया था, सीखने का सफ़र अब भी जारी है और संतोष इसलिए आए हुए हैं, तो इसलिए हम ताकि संतोष से भी सीखते हैं। तो संतोष को फैसलाबाद में खुशामदीद कहते हैं और संतोष जो हैं इंशाल्लाह इनको फैसलाबाद से भी करवाएंगे, तो बाकी चीज़ें भी इंशाल्लाह इनसे सीखेंगे और इनसे जानेंगे इनकी कम्यूनिटी के बारे में, इनके एरिया के बारे में और कल्चर के बारे में, कुछ इनको यहाँ के फैसलाबाद के माहौल करें। ये आपने डिसाइड करना है कि लेना चाहते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि टीचर होने का मसला ये भी है कि वो जब बोलना शुरू करते हैं तो उनको भूल जाता है कि अगले बंदे की भी सुननी है, तो ये मसाइल है। चलो सर, फिलहाल तो मैं आपसे लेता हूँ, फिर आप अपने हिसाब से ले लो। तो रिजवान सर, आप बताएं कि आपने इंटरव्यू स्कूल में कैसे ज्वाइन की? अच्छा संतोष, इंटरव्यू स्कूल जो था ना वो मुझे कोई प्लान नहीं था। मैं इंटरव्यू स्कूल के अंदर ऐसे ही आ गया कि मुझे शौक़ हुआ कि इंटरव्यू करने चाहिए लोगों से कनेक्ट होना चाहिए, और कोविड के दौरान हम फ्री देते हैं, लोगों से कनेक्शन डेवलप किए, लोगों से जानने की कोशिश की उनसे उनके बारे में। तो जब इंटरव्यू कर रहे थे तो उस वक्त इंटरव्यू स्कूल के शाहजेब इकबाल साहब जो थे वो हेड कर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया कि आप इंटरव्यू कर रहे हैं तो इंटरव्यू स्कूल में आ जाए। तो मुझे नहीं पता था इंटरव्यू स्कूल क्या करता था, क्या हमारे प्लेटफॉर्म से करें, तो मैंने कहा वेल डन, ये तो अच्छा हो जाएगा, सीखने के साथ साथ एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी मिल जाएगा और जहाँ पे नाम मिलेगा वहाँ पे कुछ नाम भी मिल जाएंगे, इसलिए हम सीखने के लिए इंटरव्यू स्कूल में आ गए। और तब से लेके इंटरव्यू स्कूल से हम निकल गए, हमसे इंटरव्यू स्कूल नहीं निकले। ज़बरदस्त काम किया। अच्छा सर, काफ़ी लोग देखते हैं कि ये जो ना इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये फारिक बैठे हैं और ये बिल्कुल इजी काम है और इसके लिए कोई टाइम नहीं है ऐसे भी, तो आपने जो अपनी इंट्रू स्टार्ट किए और किस तरह से स्टार्ट किए, कभी माइक ना होना, कभी आवाज़, कभी कैमरा, सारा कुछ, तो मैं पूछना चाहूँगा कि लोग जो देखते हैं वो रियल होता है या उसके पर्दे के पीछे क्या होता है, ये बताएं। जैसे आप एक मूवी देखते हैं ना, 3 घंटे की मूवी होती है, तो बेसिकली वो 3 घंटे की मूवी 3 घंटे में नहीं बनती है, वो 3 घंटे की मूवी कई दफ़ा सालों में बनती है। तो इसी तरह जब इंटरव्यू हो रहा होता है तो इंटरव्यू वो ऐसा नहीं होता कि बंदा उठाएगा और वो उठ के तो वो बैठा हुआ है और उसने बातें शुरू करती है। आपको गेस्ट के इन्वाइट से लेके गेस्ट के साथ स्केड्यूलिंग करने तक और फिर स्केड्यूल करने के बाद गेस्ट की डिस्क्रिप्शन लिखने तक, इंटरव्यू करने तक, इंटरव्यू करने के बाद उसको डिफरेंट जगह पे शेयर करने तक एक लंबा प्रोसेस है, और ये प्रोसेस हम यूज टू रहे करने के, प्रैक्टिस करते रहे करते और सीखने की कोशिश में रहे। तो ये एक ऐसा नहीं है कि फारिग प्रोसेस है, इसके अंदर एक लंबी चौड़ी इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्व है, और इसके अलावा एक और चीज़ जो इसमें इन्वॉल्व है वो कमिटमेंट है। लोग बड़े शौक़ से बड़ा अच्छा काम शुरू करते हैं, कुछ अच्छे बाद उससे तंग आ जाते हैं तो वो फिर छोड़ देते हैं, फिर वो नई चीज़ की तरफ चले जाते हैं। तो असल में ये है कि आप कितने डेडिकेटली कोई काम करते हैं और फिर सीखते हैं उससे। तो हमने इंटरव्यू स्कूल जो शुरू किया बेसिकली सीखने के लिए शुरू किया, अब भी सीख रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म के थ्रू सीख रहे थे, अब उस प्लेटफॉर्म के बगैर सीख रहे हैं, लेकिन सीख अब भी रहे हैं।
अच्छा, जब सर आपने इंटरव्यू स्टार्ट किए तो गेस्ट से किस तरह से बात करते हैं, और आपने ज़्यादा से ज़्यादा आपने इंटरव्यू किए और उसके बाद आपने हमें थोड़ा सा कहते हैं ना कि थक्की लगाई कि भाई संतोष तुम ये कर सकते हो, तो वो आपका टाइम किस तरह से रहा और गेस्ट जो सारे उनको किस तरह से मैनेज करते थे और इंटरव्यू आप किस तरह से कंडक्ट करते थे, किस वे से आप उनको अप्रोच करते थे जिससे वो मान जाते थे गेस्ट, क्योंकि गेस्ट को मनाना बड़ी मुश्किल बात होती थी और आप तो जादू करते थे, वो जादू क्या करते थे? बेसिकली जादू कोई नहीं होता, एक हम पढ़ते हैं रूटीन के अंदर जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को चाहने लग जाते हैं, वो शाहरुख खान फिल्म का डायलॉग है कि जब आप किसी चीज़ की चाहत करते हैं तो पूरी कायनात आप उसको मिलाने से लगे। तो बेसिकली ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि अगर मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ तो आप ये यकीन रखिएगा कि किसी न किसी लम्हे के अंदर आपको हो सकता है मेरी कॉल आ जाए, और ये मुमकिन होता है बहुत सारी जगहों के ऊपर। आप सोच रहे होते हैं और कहते हैं यार मैं अभी आप ही को सोच रहा था, तो वो उस बंदे की कॉल आ जाती है या उसका मैसेज आ जाता है, तो आप बड़े हैरान होते हैं। तो बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा हूँ। सेम एज विद द इंटरव्यू स्कूल, जब आप इंटरव्यू के लिए गेस्ट को अप्रोच करते हैं ना, तो जब आपकी जो एनर्जी होती है वो बता रही होती है कि आपने गेस्ट के साथ कैसे इन्वॉल्व होना, और आपको ये भी पता चल जाता है कि मैं इस गेस्ट से अप्रोच कर लूँगा और मना लूँगा। एग्जैक्टली, आपकी कमिटमेंट जो है ना वो बता रही होती है ये बंदे को। मैं आपको एक मोहम्मद नवाज साहब का आगे दिखा रहा था क्लिप उनका, तो मोहम्मद नवाज साहब से मैंने एक दफ़ा बात की, उनसे कहा मैंने आपको इंटरव्यू करना है, और उन्होंने मुझे स्ट्रेट अवे कहा कि मैं अभी बिजी हूँ, 4 महीने बाद आपको टाइम दूँगा। मैंने कहा ओके फाइन, और हर महीने को उसी डेट को मैं उनको एक मैसेज करता था कि आप मुझे 4 महीने का टाइम दिए, 1 महीना गुजर गया, 3 रह गए, फिर उन्होंने कहा 3 गुजर गए, 2 रह गए, 1 रह गए, आखिर पर मैंने उनको कहा कि 4 महीने पूरे हो गए, आप मुझे इंटरव्यू दिए, तो वो बड़े हैरान हुए और उन्होंने अप्रिशिएट किया। ये आपकी कमिटमेंट है, ये कोई आप किसी काम करना चाहते हैं ना तो आपका पैशन है, तो वो पैशन जो है उसकी वजह से आपको लोग टाइम देते हैं। मुझे लोग मैसेज करते हैं, आपको भी मैसेज करते होंगे कि सर इंटरव्यू दे दें, और वो बड़ा एक फॉर्मल सा मैसेज होता है कि हेलो आई एम फलां फलां फलां, तो आप मुझे इंटरव्यू देते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि मैं इंटरव्यू आपको क्यों लूँ, तो कोई बंदा रिस्पॉन्स नहीं होता, 99% लोग रिस्पॉन्स नहीं करते। उनका एक मकसद होता है कि बस एक इंटरव्यू करना है, आपसे बातचीत करनी है, इसमें आपने 30 मिनट बोलना है। हमने मैंने ज़ाती तौर पर एक डायरी बनाई थी इंटरव्यू के दौरान, जो लोग बोलते थे वो पॉइंट्स में लिखता था, और वो पॉइंट्स मुझे यकीन है कि मेरी आने वाली ज़िंदगी के लिए मेरे लिए वो हेल्पफुल हैं। आपका जो नॉलेज होता है ना वो कभी ज़ाया नहीं जाता, लेकिन अगर आपने सिर्फ सुनना है तो वो सुनना आपका नॉलेज नहीं है, वो आपका शोर है जो आपके इर्द गिर्द इस वक्त पंखी की आवाज़ भी आ रही है, तो हम पंखी की आवाज़ सुन नहीं रहे हैं, ये बैकग्राउंड म्यूजिक पर चल रहा है। तो सेम एज अगर आप इंटरव्यू कर रहे हैं और अगला बंदा बोल रहा है और आप सुन रहे हैं और आप सुन भी रहे हैं और आप सीखने के लिए भी सुन रहे हैं, आप इसलिए सुन रहे हैं कि चलो ठीक है बोल रहे हैं 30 मिनट पूरे हो जाएंगे, तो वो इंटरव्यू तो हो जाएगा आपका, लेकिन आप उससे कुछ आउटपुट नहीं ले सकेंगे। तो बजाय ये कि जो नए लोग मिलते हैं, इवन कि आपको अगर उस फील्ड का पता भी नहीं है, बिल्कुल ही नहीं पता, तो आप उससे बेसिक सवाल पूछें और आपको उसकी जनरल जब इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना, तो ज़िंदगी के अंदर किसी न किसी मुकाम के ऊपर वो आपकी बड़ी हेल्पफुल होगी, और लोग हैरान होंगे कि अगर आप टीचर हैं और आप इस फील्ड के अंदर, फॉर एग्जाम्पल अगर आप टीचर हैं और आप मार्केटिंग का जानते हैं, अगर आप टीचर हैं और आप जो ड्रेसर्स हैं, हेयर ड्रेसर्स हैं उनका जानते हैं, आप टीचर हैं और आप सिंगिंग को जानते हैं, तो लोग आपकी कदर करेंगे कि इस बंदे के पास इतना नॉलेज है। अच्छा एक्सप्लेन किया। और सर जैसे आपने बताया कि पंखे की आवाज़ इस तरह लाइक एक जो कोई देख बहुत अच्छे होती है, तो आपने लोगों से इंटरव्यू करके अपनी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड की वो कुछ बताएं, और आपको इंटरव्यू करने से आपकी अपनी लाइफ में क्या चेंजिंग आई, अपनी हेल्थ में क्या चेंजिंग आई, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में क्या चेंज किया? एक तो जब इंटरव्यू कर रहे थे ना, तो एक जो सबसे बड़ी चीज़ आई वो कैमरे को फेस करना है, जिस पे आज भी बड़े बड़े लोग, मैंने बड़े बड़े लोगों से देखा है, वो बड़े अच्छी गुफ्तगु कर रहे होते हैं, जैसे आप कैमरा ऑन करते हैं तो उनको बोलना बंद हो जाता है, तो वो 90% लोग जब बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम बात नहीं कर सकते, हमें शर्म आ रही है। तो इस पर वो मौलवी साहब का लतीफ़ा मशहूर है ना, कि मौलवी साहब से किसी ने कहा कि मौलवी साहब वजू कर रहे थे, तो उन्होंने किसी को कहा कि भैया आप अजान दे दो, तो वो साहब कहते हैं कि नहीं मौलवी साहब मुझे शर्म आती है, तो मौलवी साहब ने कहा कि हम ही बेशरम है कि रोज़ाना 5 दफ़ा अजान देते। तो इंटरव्यू करने से आपको ये है कि जो शर्म है ना आपकी, ये ख़त्म हो जाए।
तो जब आप शर्म को साइड पे रख देते हैं तो फिर आपको लोगों की परवाह नहीं होती कि लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं। हमारी सारी ज़िंदगी इसी बात पर गुजर जाती है कि क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो जब आप इस चीज़ से बेपरवाह हो जाते हैं तो इंटरव्यू आपको ये सिखाता है कि कोई बंदा अगर आपके बारे में कमेंट्स पॉजिटिव कर रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, नेगेटिव कर रहा है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप इतने यूज्ड टू हो जाते हैं लोगों के कि आपको किसी की अच्छी बातें बुरी बातें इफेक्ट ही नहीं कर रही होती। आपकी अपनी एक मंजिल होती है, और गाड़ी में जब आप बैठे होते हैं ना तो जब आप स्लो स्पीड से गाड़ी चलाते हैं ना तो स्लो स्पीड से जब गाड़ी चल रही होती है तो आपको दाएं बाएं की बड़ी आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब गाड़ी की स्पीड इतनी तेज़ हो जाती है तो फिर दाएं बाएं की आवाज़ें शोर तो हो सकते हैं, आवाज़ें सुनाई भी नहीं देती, समझ भी नहीं आती। तो जब आप मंजिल की तरफ जा रहे होते हैं तो अपनी स्पीड इतनी तेज़ कर लेंगे दाएं बाएं की आवाज़ें। और एक आपने पेशेंट जब भी कहा तो सबसे ज़्यादा आपने इंजॉय किए और ये नामुमकिन काम था, लेकिन आपने उसको एक मुमकिन काम बनाया, तो वो किस तरह से किया और उस चीज़ को करने के लिए आपने क्या क्या किया? अच्छा, पहली बात तो दुनिया के अंदर नामुमकिन कुछ नहीं होता। जो अभी आरिफ अली साहब पाकिस्तान में आए हुए आजकल, उनकी जो किताब है आई एम पॉसिबल, वो बड़ी फेमस उनकी बुक हुई और वो उसको बड़ा पहली उनकी बुक थी। कैसर अब्बास साहब जो पाकिस्तान के बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं, कोच हैं, उनके भी वो उस्ताद आ रखे हैं, उनकी बुक है वो आई एम पॉसिबल। तो दूसरा जो मुझे कोट याद आ रहा है, इट सीम्स इम्पॉसिबल अनटिल इट्स डन। आमतौर पर आपको लगता है कि ये नामुमकिन है जब तक वो हो नहीं जाता। तो जब आप शुरू करते हैं ना तो उस वक्त अगर आप ये सोच लें कि ये इम्पॉसिबल है तो आप कभी भी जन्म नहीं ली सकते। आपने स्टार्ट करना होता है और फिर स्टार्ट करने के बाद छोटे छोटे स्टेप लेने शुरू कर देंगे। तो मैंने जो इंट्रोड्यूस किए वो 156 थे मंथ के अंदर, उसके बाद आपने सबसे ज़्यादा 178-176 किए। तो अब जो लोग भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बेसिकली उस वक्त मुझे किसी ने कहा था, ये बाद साहब जो कासिम शाह साहब के साथ होती, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं इंट्रोड्यूस देखता हूँ लोगों को, मुझे पता है कि आप इस वक्त पूरी फेसबुक पर सबसे ज़्यादा इंटरव्यूज आप कर रहे हैं। उस वक्त इतना ज़्यादा शाम सरवर साहब के साथ मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे कहा कि मैं जब भी स्क्रीन ऑन करता हूँ सबसे ज़्यादा तुम नज़र आ रहे हो, तुम्हें कोई और काम नहीं है। मैंने कहा जी बस वो क्या कर दिया, इश्क ने कर दिया ना काम, मैं क्या करूँगा, मुझे तो कुछ और काम भी नहीं होता। तो हम तो यही कर रहे थे। तो आप जिस काम के लिए आप डेडिकेटेड हो जाते हैं, पैशनेट हो जाते हैं ना, तो फिर आपको रात के 1 बजे भी हमने इंटरव्यूज़ किए हैं, आपने भी किए हैं, 2 बजे भी किए हैं। हमें बहुत सारे लोग ऐसे थे ज़ाहिर है यूएसए के, तो वो टाइम ही इस तरह देते थे, तो कई दफ़ा तो रात 2 बजे के बाद का वो टाइम दे रहे थे। तो हमें शौक होता था कि फॉरनर्स के इंटरव्यू करें, तो उनके लिए टाइम हमें रात को जागना भी पड़ता था, और कई दफ़ा होता था कि हमें वो गेस्ट जो है वो टाइम सुबह 7 बजे का गेस्ट सेलेक्ट कर देता था। तो अगर रात को 1 बजे भी किया तो सुबह 7 बजे फिर हम इंटरव्यू कर रहे थे। ये एक वो पैशन था, ये वो जज्बा था उस वक्त ना। तो इसको लोग कुछ समझेंगे कि ये फजूल है, लेकिन कुछ हम कहते हैं कि बुनियाद की ईंटें होती हैं ना, तो बुनियाद की ईंटें क्या करती हैं कि वो उसके ऊपर इमारत खड़ी होती है। तो हर बंदा जब वो आता है तो वो कहता है क्या खूबसूरत बिल्डिंग है, क्या कमाल का नक्शा है, ये है वो। जो बुनियाद की ईंटें हैं उसकी बंदा तारीफ नहीं कर रहा होता, लेकिन अगर उस बुनियाद की ईंटों को निकाल लिया ना तो वो इमारत नहीं खड़ी हो सकती। तो हम ये समझते हैं कि इंटरव्यू स्कूल के अंदर हम लोग वो बुनियाद की ईंटें थे जो कि मिट्टी के अंदर दफन हो गए हैं, और उसकी हमें तारीफ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंटरव्यू स्कूल की अब बिल्डिंग जब भी खड़ी होगी, लोग जब भी बातें करेंगे, लोग जब भी यूट्यूब या ट्यूबटॉक की बात करेंगे, जब भी लोग, तो वो ये देखेंगे कि बुनियाद की ईंटों के ऊपर ये बिल्डिंग खड़ी। अच्छा सर, जब सबसे ज़्यादा आपका मुश्किल जो इंटरव्यू वो कौन सा रहा, और जब आपने इंटरव्यू किए तो वो इंटरव्यू कौन सा है जिससे आपने इंटरव्यू करने के बाद आपको लगा कि ये मैं काम कर रहा हूँ, ये रिप्शन सही कर, वो तो पहले ही आपको लगा होगा? सबसे ज़्यादा मुश्किल जो था ना वो इंटरव्यू, तो जाहिर है गेस्ट और सारे ही बड़े अच्छे होते थे हमेशा, कुछ हालात होते थे इंटरव्यू करते हुए ना जो बड़े मुश्किल हो जाते। फॉर एग्ज़ाम्पल सवाल तो इतना मसला नहीं होता था, टीचर है तो कुछ ना कुछ सवाल तो हमें आते ही, तो मसला ये होता था कि जब इर्द गिर्द के हालात, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बात कर रहे हैं और मैं जहाँ पे था वहाँ पे वाईफाई का कनेक्शन नहीं था, तो मोबाइल का इंटरनेट जो है वो ना हो, अब गेस्ट बात कर रहे हैं और आप जो है वो है नहीं और आप लॉग आउट हो गए हैं, आपका वो इंटरनेट कनेक्शन डाउन हो गया है,
गेस्ट बात कर रहे हैं और आपके एरिया में लाइट चली गई, आप अंधेरे में बैठे हैं, बैकअप नहीं है, तो ये मुश्किल आती थी। रेहान भाई का मुझे याद है कि जब मैंने इंटरव्यू किया था, उस वक्त इंटरव्यू स्कूल में नहीं था मैं, लेकिन मैंने रेहान भाई से टाइम लिया, उन्होंने मुझे टाइम दे दिया, उनका मैं आज भी शुक्रगुजार हूँ। तो वो इंटरव्यू भी मैंने ऐसे ही किया था कि मैंने एक जो एमरजेंसी लाइट है वो जला के उसको ऑन किया हुआ था और उससे मेरे चेहरे पर रोशनी आ रही थी। रेहान भाई ने कहा कि ये क्या लाइट है, तो मैंने कहा वो एमरजेंसी में चली गई है। इस तरह के मामला हुए इंटरव्यू करते हुए। सबसे मुश्किल इंटरव्यू वो होता है जहाँ पे गेस्ट जो है वो खामोश ना हो, जैसे मैं आप बात कर रहे हैं ना, तो उसके बाद मैं खामोश ना हूँ। तो मैंने ऐसे इंटरव्यू के नाम लेना गैर मुनासिब, मैंने पहला सवाल किया कि जनाब ये हमारे साथ फलाना है और ये हमसे बात करें, तो अगली दफ़ा जब वो सवाल लग रही थी की बारी आई तो 45 मिनट गुजर चुके थे। तो मुसलसल 45 मिनट तक गेस्ट भी बोलते रहे तो आप खामोश सुनते रहे, और 45 मिनट बाद गेस्ट ने कह दिया कि ओके ठीक है थैंक यू, आपसे फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़। तो ये एक मुश्किल इंटरव्यूज़ थे, इन्जॉय मैंने किए इंटरव्यूज़। कामरा रिजवी साहब के साथ इंटरव्यू किया, बहुत मज़ा आया, बड़ा इन्जॉय किया। शीरी आपा के साथ कराची से इंटरव्यू किया, बड़ा इन्जॉय। अली आसिफ साहब के साथ इंटरव्यू मैंने किया, बड़ा इन्जॉय किया। ये वो लोग हैं जिनके साथ इंटरव्यू मैंने किया, और उनसे सिर्फ मैंने 15-20-25 मिनट टाइम लिया, लेकिन इंटरव्यू एक एक घंटा, सवा सवा घंटा का चला। तो जब आप इंजॉय करना शुरू करते हैं ना, फिर वो टाइम का पता, वो टाइम का, वो कासिम शाह साहब कहते हैं कि फिर आप टाइम एंड स्पेस से आउट हो जाते हैं, तो हम भी वो टाइम एंड स्पेस से आउट हो जाते हैं जब आपको गेस्ट अच्छा आ जाता था। तो इस तरह ये सिलसिला चलता है। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे का इंटरव्यू किया था, 90 मिनट का। मैम शाइस्ता हसन है नॉर्वे से, पानी के मसले के ऊपर वो काम कर रही हैं, PhD उनकी चल रही है केमिस्ट्री के साथ, पाकिस्तान किसी दौर में न्यूज़ कास्ट कर रही हैं वो, उनका तकरीबन 1.5 घंटे का इंटरव्यू हुआ था। हमाद है यहाँ तत्की से है, तो उसका 1.5 घंटे का तकरीबन इंटरव्यू हुआ था। इसके अलावा सिंथिया का इंटरव्यू जो था वो डॉक्टर सिंथिया का, उस वक्त वो फैंटेसी थी, तो उसका इंटरव्यू जो था बहुत। अब आते हैं आपकी थोड़ी बेसिक लाइफ पर, इंसान कुछ ना कुछ बनना चाहता था, आप क्या बनना चाहते थे? ये मुझे अभी तक नहीं पता, और इसके लिए मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं क्या बनना चाहता हूँ और बेसिकली क्या पर्पस क्या है। लोग इसको समझते हैं कि ये क्या चीज़ है, लेकिन हम कहते हैं लिंकिंग डॉट थ्योरी जो है, कि आप डॉट्स कनेक्ट करते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, ज़िंदगी के डॉट्स जो है ना अभी बन रहे हैं, तो हो सकता है कि आज से 10-20 साल बाद कहें हम कि हाँ ये करना चाहते थे, लेकिन अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि जो किसी न किसी के लिए फ़ायदेमंद हो, ज़िंदगी के अंदर किसी एक शख्स का ऐसा भला करना चाह रहे हैं जो कि कल को हमें याद ही ना रखे, जिसको हमारा नाम भी ना बताऊँ, लेकिन उसके लिए हम कोई रास्ता जो है उसके लिए ढूंढ के चले जाएँ, कोई रोशनी उसके लिए, कोई ऐसा चिराग रोशन करके चले जाएँ जिसकी वजह से उस चिराग का कोई नाम ना हो, उस चिराग का सिर्फ रोशनी मौजूद हो, तो लोग कहें कि ठीक है कि किसी ने काम कर दिया, नाम भी हमारा ना हो। सर ज़्यादातर हमारे जो लोग आज कल का जो लाइफ ट्रेंड बना हुआ है जी, सो ज़्यादातर हमारे जो लोग आज कल का जो ट्रेंड बना हुआ है कि हम अभी पौधा लगाएं और अभी वो फल देना शुरू हो जाए, तो आप इस कॉन्सेप्ट से कितना मुतारिफ हैं और इस कॉन्सेप्ट से कितना एग्री हैं? क्या ये हो सकता है? और सब लोग यही चाहते हैं कि अभी मैं अभी काम करूं और अभी इसका फल मुझे मिल जाए, और जो बाजार होता नहीं है। जब बीज से पौधा निकलता है ना, तो उसकी कोई आवाज़ नहीं होती, कोई शोर नहीं होता, बिल्कुल। लेकिन जब दरख्त गिरता है ना, तो वो एक ज़ोरदार धमाके से गिरता है। इसका मतलब यह है कि जो तख्लीक होती है ना, वो खामोशी से होती है, कोई चीज़ बनती है ना, वो बड़ी खामोशी से बन रही होती है। हाँ, तबाही जो है वो आवाज़ देकर होती है। तो अगर आप कुछ तख्लीक कर रहे हैं ना, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ रिजल्ट लेना है उसका, कोई बड़ा काम कर रहे हैं, तो वो खामोशी से ही होता है और वो टाइम लेता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने आज डिसाइड कर लिया कि सुबह मैंने डॉक्टर बनना है, तो रात के 24 घंटों में आप या 12 घंटों के अंदर आप डॉक्टर बन जाएंगे। डॉक्टर बनने के लिए ज़ाहिर है कुछ टाइम चाहिए, और टाइम के बाद आपकी डेडिकेशन चाहिए। तो ज़िंदगी के अंदर एक बच्चा जो है ना, वो चलना भी शुरू करता है ना, तो वो भी 2 साल लेता है। पहले वो घुटनों चलता है, फिर वो एक कदम उठाता है, फिर 2 कदम वो चलना शुरू करता है, और फिर वही बच्चा एक वक्त में मैराथन दौड़ता है। इसी तरह जो लोग इंटरव्यू करते हैं, वो पहले सुनने का हौसला पैदा करें, लिसनिंग जो है ना, सुने। हाँ, वो कम्युनिकेशन, सबसे जो बड़ी कम्युनिकेशन है ना, वो आपकी लिसनिंग है। हम
सुनते हैं जवाब देने के लिए, हम कभी नहीं सुनते एब्जॉर्ब करने के लिए अगले की बात, अगले की बात को हजम करना। मैंने वेना वेना हैना हैना वर्तियान हैना वर्तियान जो है अमेरिका से, उनका इंटरव्यू किया, और जब मैं इंटरव्यू कर रहा था ना तो वो बीच में मेरी बात सुनने के बाद वो मुझसे क्वेश्चन कर रही थी, और क्वेश्चन के बाद मैंने जब रिस्पॉन्स किया तो उसने 2 मिनट के लिए आँखें बंद कर ली, तो मैं समझा शायद वो सो गई। तो उसने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपकी जो बात है उसको एब्जॉर्ब कर रही हूँ, पूरा अपने उसको हाँ उसके आपको समो रही हूँ। तो हमें अगर अच्छा इंटरव्यूअर बनना है, अच्छा कम्युनिकेशन करनी है, तो हमें लिसनिंग अपनी ज़्यादा इफेक्टिव हो। तो इसके लिए मैं एक मिसाल देता था वहाँ, तब भी देता था, अब भी दोबारा देता हूँ, कि एक बच्चा जब पैदा होता है ना तो वो 2 साल तक एक लफ्ज भी नहीं बोलता, और 2 साल सुनता है, और जो कुछ वो सुनता है 2 साल के बाद वो बोलना शुरू करता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका कोई प्रोडक्टिविटी हो, तो खुद के लिए कुछ भी रिस्पॉन्स करना खामोश हो, रिस्पॉन्स ना करें लोगों की अच्छी बातें बुरी बातें, आप सिर्फ सुनें, और फिर एक टाइम आएगा कि जब आप बोलेंगे और लोग सुनेंगे। रिजवान साहब, ज़्यादातर ये प्रॉब्लम हमें भी आई है और लाजमी आपको भी आई होगी। कुछ हमारे गेस्ट ऐसे होते हैं जो सिर्फ सवाल हम करते हैं कि भाई आप अपनी लाइफ जर्नी बताएं, तो वो एक जुमले में बताते कि हाँ मैंने मैट्रिक यहाँ से की और इंटर यहाँ से किया। अब दूसरा सवाल आप भी यहाँ में बताएं कि आपने जो ना आप क्या बनना चाहते हैं। मैं कुछ नहीं बनना चाहता। फिर इस तरह से जो गेस्ट हैं उनको आप किस तरह से फेस करते थे? अच्छा, ये मैं इस तरह के रूटीन में क्वेश्चंस जो है ना वो बड़े अच्छे लगते हैं करना है, लेकिन मैंने कोशिश की कि रूटीन के क्वेश्चंस ना किए जाएं। आप करते नहीं थे? मैं रूटीन के क्वेश्चंस हटके करता था। मेरी क्वेश्चंस इस तरह के होते थे कि आपकी ज़िंदगी के अंदर सबसे बड़ी गलती क्या है। अगर आपने मशहूर वो एक बड़ा है शायद चली चौधरी का वो कॉलम था, इसमें सुंदर पिचाई के बारे में उन्होंने कहा था कि जो गूगल के लिए बंदा इंटरव्यू देने जाता है ना, उससे ये नहीं पूछा जाता कि आपकी डिग्रीज क्या हैं, अचीवमेंट्स क्या हैं, उससे ये पूछा जाता है कि आपकी ज़िंदगी के सबसे अंदर फेलियर क्या है और फेलियर से बाहर कैसे निकले। तो आप रूटीन के अंदर जब किसी से पूछते हैं कि आप कहाँ पैदा हुए, क्या तालीम हासिल की, तो वो सारी चीज़ें तो उसकी प्रोफाइल के ऊपर लिखी होती हैं। तो आप उससे ये पूछ लें कि जो आप बने हैं इसके बनने के स्टेप्स क्या थे, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। अच्छा, अगर वो अपनी स्टोरी सुनाता है कि मैं फलां एरिया से निकल के फलां से निकल, तो फिर आप अगली बात पूछ लें कि आप जो 30 साल में बने हैं, क्या कोई बंदा आपके स्टेप फॉलो करके 3 सालों में ये बन सकता है? तो यकीनन जाहिर है उसने बहुत सारे गलत फैसले भी किए होंगे, सही भी किए होंगे, तो उसने वो जो गलत फैसले हैं उनको वो बता सकता है कि ये गलत फैसले नहीं, डिसीजन नहीं लेने आपने, आप बेहतर डिसीजन लें, मेरे आने वाले जो बाद में लोग हैं वो ये चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मुझे याद है मुनव्वर अबादुल्ला भाई का मैंने इंटरव्यू किया था, चाहे जाए कि वो बाद में वो पसंद नहीं करते थे कि इंटरव्यू मैं करूँ, लेकिन फिर भी वो इंटरव्यू उन्होंने दिए भी कुछ लोगों को मेरे बाद भी। तो मैंने उनसे पूछा था कि मुनव्वर अबादुल्ला के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, मुनव्वर अबादुल्ला बनना तो क्या हो सकता है, स्टेप्स क्या हैं। तो आप जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, कभी उनसे ये ना पूछें कि आप कहाँ पैदा हुए, क्या तालीम हासिल की, ये सारी रूटीन की बातें ना आपने कोई ऐसे लिखना होता। आप उनसे ये पूछें कि आपकी ये सक्सेस क्या है, आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फेलियर क्या है, आप ज़िंदगी के अंदर क्या चीज़ थी जो आप समझते थे कि ये नहीं होती तो मैं ये कर लेता, और आप क्या समझते हैं कि ज़िंदगी के अंदर आपकी किक क्या थी, किक क्या होती है, क्योंकि बंदा आपको ऐसी बात करता है, बंदा ऐसा स्टेप बताता है जिसकी वजह से आप इस तरफ चले गए, वरना वो अगर ना होता तो वो क्या। तो ये चीज़ें जो हैं ये डिफरेंट हो जाती हैं, और इससे लोग लाइक भी करते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बताने के लिए, और समझते हैं कि डिफरेंट इंटरव्यू हो रहे हैं। अच्छा, बाज़ोकात सर हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ बहुत कुछ करने के लिए, जैसे हम चाहते हैं कि हम इस जगह पे पहुँचें, उस जगह पे पहुँचने के लिए हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और कभी कभी तो हम फॉरगिव कर लेते हैं, हार जाते हैं। तो आप भी कुछ माशाल्लाह यानी कि करना चाहते थे कि मैं एक बड़ा अच्छा टीचर बनूँ या कुछ भी आपके माइंड में, तो वो करने के लिए आपको जो प्रॉब्लम्स आई, तो उन प्रॉब्लम्स से आपने क्या सीखा और उसको किस तरह से फेस किया? प्रॉब्लम्स तो एक रूटीन मैटर है। देखें, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको प्रॉब्लम ना आए, तो उसका एक हल है, यहाँ से आते हुए ना हम रास्ते से जहाँ से गुजरे हैं ना, वहाँ से आते हुए हमें एक जगह मिली है जहाँ से आपने पता नहीं सलाम किया कि नहीं, मैंने सलाम किया लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो मैंने ज़ाहिर है आप तो मेहमान थे तो आप तो नहीं फील किया, लेकिन हर इंसान जो वहाँ जाके सलाम करता है वो किसी को जवाब नहीं देते, और वो जगह कब्रिस्तान है, उन लोगों को मसाइल नहीं है। तो जिंदा लोगों के मसाइल होना ये ज़िंदगी की निशानी है। तो आपको मसाइल होंगे और यकीनन होंगे, मुझे भी हैं, आपको भी हैं,
और इन मसाइल को हम फेस करके ज़िंदगी गुजारते हैं। हम और आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं या कोई भी दुनिया में इंसान जिस भी सोसाइटी में रहता है वो 100% कभी भी आइडियलाइज नहीं होती है। वो प्रॉब्लम्स के गुजरने के बाद, हालांकि मैंने बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों को अपनी फैमिली लाइफ के अंदर फेलियर्स देखे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैंने बहुत पाकिस्तान के बहुत बड़े ट्रेनर्स जिनके नाम की वजह से ट्रेनिंग इंडस्ट्री खड़ी है पाकिस्तान के अंदर, मोटिवेशनल और स्पीकर और कोच, उन्होंने अपनी लाइफ फैमिली लाइफ आफ्टर 25 ईयर उनकी सेपरेशन हुई। तो फेलियर्स हर इंसान की ज़िंदगी के अंदर होते हैं, लेकिन इसके बावजूद जब भी आप उनसे गुफ्तगू करेंगे बड़ी अच्छी पॉजिटिव गुफ्तगू कर रहे होते हैं, बड़ी खूबसूरत लहजे में बातें कर रहे होते हैं। तो असल ये नहीं होता कि आपके मसाइल क्या हो गए, असल ये है कि आपने उन मसाइल के साथ रिएक्ट क्या किया। तो आपका एक्शन जो है वो मैटर नहीं करता, रिएक्शन मैटर करता। तो आपके जो मसाइल हैं वो एक रूटीन की मैटर है, मुझे भी मसाइल हैं, अब भी होंगे, ज़िंदगी का हिस्सा हैं ये, लेकिन उन मसाइल को खुद पे सवार नहीं किया, बस लगे हुए एक रोज़ाना एक स्टेप लेते हैं आगे। कई दफ़ा वो स्टेप जो है वो घूम के हम वापस चले जाते हैं, एक स्टेप लेते हैं, कई दफ़ा 10 स्टेप पीछे जाना पड़ता है, फिर एक स्टेप उठाते हैं, फिर 10 दिन 20 दिन लगते हैं, फिर शायद एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, फिर पता चलता है ये तो गलत ट्रेन पर बैठ गए, तो फिर ट्रेन बदलते हैं, कई दफ़ा डिब्बा बदलते हैं, कई दफ़ा पता लगता है कि ये साथ वाला जो बंदा था वही हमें जो है ना वो गलत स्टेशन पे उतार गए, उसने हमें धक्का दे दिए, तो फिर हम पता लगता है कि ये स्टेशन तो हमारा है ही नहीं, हमने जाना कहीं और। तो ये सारा कुछ हो रहा है, हमारे साथ हो रहा है, और कई दफ़ा धक्का देने वाले आपके सबसे अपने लोग होते हैं, कि आपको पता होता है कि यार ये बंदा आप ट्रस्ट करते हो उस पर कि यार ये बंदा मेरे साथ, वही आपको बता देता है कि यार इस स्टेशन पर उतर जाइए, ये आपका घर आ गया, हालांकि वो स्टेशन आपका नहीं होता, लेकिन क्यों कि आप उस पर ट्रस्ट करते हो, लिहाजा उसके पास ज़्यादा चांस होते हैं वो आपके साथ फ्रॉड कर लेते हैं। तो ये एक रूटीन मैटर है, अगर हमें ज़िंदगी में इन लोगों के साथ लड़ाई करनी है। मैं एक मिसाल देता हूँ, जवाद हफीज़ साहब की मुझे मिसाल दी थी, मैं आपको भी सुनाता हूँ। वो जवाद हफीज़ साहब स्टॉक के बड़े उस्ताद हैं, तो उन्होंने कहा कि जब आप बस स्टेशन पे खड़े होते हैं ना, बस जाने लगती है, तो बस जो है ना वो निकलने लगती है, तो एक कुत्ता जो है वो बस के साथ भौंकना शुरू कर देता है, और उस कुत्ते ने ना ड्राइवर की सीट पे बैठना होता है, ना सवारी के साथ बैठना होता है, ना बस के साथ जाना होता है, ना ही उसे किसी जगह जाना होता है, वो उसने सिर्फ बस को अड्डे से निकाल के फिर वापस उसी जगह आकर बैठ जाना। तो कुछ लोग जो होते हैं ना वो आपकी ज़िंदगी के साथ इस तरह जुड़े होते हैं, उन्होंने सिर्फ आप पे तनकीद करनी होती है। आप कोई भी काम करके देख लें, आप हो सकता है समुंदर के अंदर एक टांग के ऊपर खड़े होकर दिखा दें उनको, लेकिन वो फिर भी कहेंगे यार ये इसके पाँव जो है ना वो गीले नहीं हुए। तो आपको कुछ लोग हैं जिनकी तनकीद करनी है, वो अगर आप उस उन लोगों को जवाब देना शुरू कर देंगे तो आप कभी मंजिल पर नहीं पहुँच सकें। इसलिए अपने कान बंद कर लें, अपनी आंखें खुली कर लें, और अपने कदम तेज़ कर लें। वो लोग दुनिया में कामयाब होते हैं जिनके पाँव गर्म और सर ठंडा रहता है। इसका मतलब ये है कि अपना दिमाग जो है वो पुरसकून रखें और अपने पाँव जो है वो चलाते रहें, तो आप मंजिल पर पहुँच जाएंगे। सर ये शायद एक किसी अंग्रेज़ की किताब थी, उस किताब का ये लास्ट पन्ने भी लिखा होता कि अपने पाँव चलाएं और दिमाग ठंडा रखें, इसी का। और रिजवान सर, एक अच्छा इंटरव्यूअर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें वो कौन से टिप्स फॉलो करने चाहिए ताकि हम एक अच्छा इंटरव्यूअर बन जाए? ऑलरेडी आप हैं तो मैंने आपसे ये सवाल, दूसरा ये सवाल था कि आप किन से इंस्पायर हुए एज ए इंटरव्यूअर बनने के लिए, ये दो सवाल थे। अच्छा, इंटरव्यूअर अच्छा बनने के लिए तो पहले तो मुझे खुद अच्छा इंटरव्यू बनना होगा, तो फिर मैं ज़्यादा लोगों को मशवरे दे सकता हूँ। मैं ये खुद समझता हूँ कि मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, और मैंने 400 जो इंटरव्यूज़ किए हैं उनमें हर इंटरव्यू के अंदर पहला जुमला मेरा यही होता था कि ये रिजवान अकरम क्लासरूम के अंदर मैं एक बहसीत तालिब इल्म हाज़िर हूँ, और मेरे साथ आने वाले गेस्ट जो हैं वो मेरे उस्ताद हैं। तो पहली बात तो ये है कि अपने आप को खुद को सबमिसिव बना लें, खुद को डाउन टू अर्थ कर लें। आपके सामने एक बच्चा भी बैठा हुआ है 6 साल का, तो उससे भी सीखने की कोशिश करें। मेरे घर में मेरा बेटा है 3.5 साल का, और मैं उससे सीख रहा हूँ कि जो कुछ मैंने गलत सीखा हुआ है उसको कैसे मिटाया जाता है। वो बगैर वजह के हंसता है, हम और आप सुबह से लेकर शाम तक वजह के साथ भी नहीं हंसते, वो बगैर वजह के हंसता है। अच्छा, वो बगैर वजह के लड़ाई करता है और 2 मिनट बाद सुलह कर लेता है। हम एक दफ़ा लड़ाई करते हैं और फिर कहते हैं हम मर जाएंगे तो इसको मुँह ना दिखाएंगे। तो हमें सीखना है हर एक से, हमने बच्चों से भी सीखना है, अपने बड़ों से भी सीखना है। तो आप ये अंदाज़ा कर लें कि आपने सीखना है, आप सिर्फ़ और सिर्फ सीखने के लिए आए हैं, और ये दुनिया ऐसी उस्ताद है, इससे बड़ा कोई उस्ताद नहीं, दुनिया से बड़ा कोई उस्ताद नहीं। तो लिहाजा आपने दुनिया से बेहतर सीखना है और फिर दुनिया को बेहतर रिस्पॉन्स करके वापस करना है। अगर आपने कुछ गलत सीख लिया है तो दुनिया को रिस्पॉन्स आपने गलत वापस नहीं करना,
जैसे मैंने कहा कि वो इससे मैं ये सीख रहा हूँ कि मैंने जो कुछ गलत सीखा है इसको कैसे खत्म किया जाए। तो आप जो कुछ सीख रहे हैं दुनिया को पॉजिटिव करके, डॉक्टर जावेद इकबाल सब कहते हैं कि कोई बंदा मुझे कहता है कि मैं किसी गलत बात बर्दाश्त नहीं करता, तो भाई बात होती है गलत बर्दाश्त करने की, अच्छी बातें तो दुनिया में हर बंदे कर लेते हैं, ये कौन सी साइंस है कि तुम मुझे गाली दो और मैं बर्दाश्त ना करूँ, और तुम मुझे कहो कि आप मुझे कह रहे हैं रिजवान साहब वाह 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 और मैं ये बर्दाश्त कर रहा हूँ, ये बर्दाश्त, तो ये तुम्हारा क्या करेक्टर है? तो करेक्टर आपका यही होता है कि आप सीख रहे हैं और सीखने के बाद लोगों को रिटर्न पॉजिटिव एंड से करें। तो अच्छा इंटरव्यूअर बनने के लिए कोई साइंस नहीं चाहिए, मेरा तो ये मानना है कि आप जैसे भी होते हैं आप स्टार्ट करते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप खुद ब खुद सीखते हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है। जैसे बच्चे को कोई कहता नहीं है कि तुम ऐसा करो कि एक घुटना नीचे रखो दूसरा घुटना उठाओ तो फिर तुम चल पड़ोगे, एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू वो सीख रहे हैं, लेकिन इसके लिए कोशिश वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप अच्छा इंटरव्यू बनना चाहते हैं तो आप बुरा इंटरव्यू लेना शुरू कर दें, एक टाइम आएगा कि आप खुद अच्छे इंटरव्यू बने। दूसरा सवाल था सर जी, रिपीट कीजिएगा। हाँ मैंने शाहजेब भाई को देखा है बड़े अच्छे इंटरव्यू करते हुए, मैंने सिद्रा को देखा है बड़े अच्छे इंटरव्यू करते हुए, करती थी अब करती नहीं सिद्रा, कभी कभी करती है। तो ये वो इंटरव्यूज हैं, ये वो लोग हैं जो बड़े बड़े कूल एंड काम, मतलब मैं इनका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है उससे बड़ा इंस्पायर था। मेमूना जो आजकल थिंक एंड ग्रो रिच के साथ आजकल काम कर रही है, थिंक एंड ग्रो रिच ना, उसके साथ मेमूना काम कर रही है एज ए कोऑर्डिनेटर, उनको इंटरव्यू मैंने देखे हैं, बड़े अच्छे इंटरव्यूज होते थे उनके, उनका कम्युनिकेशन स्टाइल बड़ा अच्छा था, अभी भी वो बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रही होती है, इंग्लिश बड़ी अच्छी बोल रही होती है। तो इन लोगों से मैंने सीखा कि ऐसी बातचीत करनी चाहिए, ऐसी कम्युनिकेशन करनी चाहिए। बाकी जो बंदा जिसको आपको टाइम दे रहा है, दुनिया के अंदर सबसे कीमती इस वक्त टाइम है, तो जो बंदा आपको टाइम दे रहा है तो वो यकीनन आपके साथ अग्रेसिव होकर तो बात नहीं करेगा, सिवाय कारला के इंटरव्यू जो मेरे साथ हुआ था, वो वाकई में मेरी क्लास हुई थी, जैसे गुस्से में टीचर क्लास लेता है, तो कारला ने मेरी क्लास ली थी, बिकॉज कारला ये समझ रही थी कि मुझे अभी इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए उसका, तो मुझे इंग्लिश की क्लासेस पहले लेनी चाहिए। तो मैंने कहा था कि बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है तो आप प्लीज़ मुझे इंटरव्यू दे दें। तो उसके अलावा कोई गेस्ट आज तक अग्रेसिव होकर मुझे इंटरव्यू नहीं दिया किसी ने। कारला के साथ जो मेरा इंटरव्यू था, तो उसके बाद रेहान भाई ने भी कमेंट किए थे कि ऐसे लग रहा है जैसे कारला बहुत गुस्से में बोल रही है। तो मैं जो भी सवाल करता था तो कारला कहती थी कि मैं इसका जवाब दे चुकी हूँ, ये इसका जवाब मेरी क्लास में हो चुका है, ये बात जो है वो पहले मैंने कर दी हुई है। तो इस तरह वो 30 मिनट का जो इंटरव्यू था वो बड़ा एक खौफनाक किस्म का हॉरिबल ड्रीम था, लेकिन वो बिलाकर वो भी हुआ। और आफ्टर उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने सिंथिया का इंटरव्यू किया था, हाँ, तो कारला का ख्याल ये था कि मुझे क्योंकि इंग्लिश नहीं आती, जो कि इतनी बात है नहीं आती है, तो वो सीखनी चाहिए मुझे। तो मैं ये कह रहा था कि मैं इंटरव्यू करूँगा तो सीखूंगा, तो आप मुझे क्लास में बिठा के सिखाएंगे तो मुझसे नहीं सीखा जाएगा जब तक मेरी प्रैक्टिस नहीं होगी, तो क्लासरूम में मैं इस तरह नहीं सीख सकता। तो उसने ख्याल था कि क्लासेस मेरी लेनी चाहिए, तो वो हुआ। उसके बाद मैंने सिंथिया का किया, बहुत सारे फॉरनर्स के इंटरव्यूज किए, इसराइल के ज्यूज़ के मैंने बड़े इंटरव्यूज़ किए, और मुझे शौक से था कि एक ऐसी कौम का इंटरव्यू किया जाए जो दुनिया के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा पावरफुल नेशन है और दुनिया की छोटी सी कम्युनिटी है, तो उनके इंटरव्यू सारे इंग्लिश में की। फिर मैंने कारला के एक दो इंटरव्यूज़ के ऊपर टैग भी किया, तो उसने मुझे कहा कि नहीं, उस दिन मैं अग्रेसिव हो गई थी। तो वो एक टफ मेरा जिंदगी का इंटरव्यू था, इसके अलावा कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं है, लेकिन वो भी सीखने के लिए था, डेफिनेटली हम सब सीख गए। तो ऑलरेडी मैम कारला को काफ़ी लोग सही जान नहीं पाए या पहचान नहीं पाए, आपको क्या लगता है वो क्यों इतना एग्रेसिव होती है? मुझे नहीं पता वो अग्रेसिव क्यों है, लेकिन मेरे साथ अग्रेसिव हुई थी, वैसे वो अग्रेसिव नहीं है, जाहिर है वो टीचर हैं तो थोड़ा सा उनका एक स्टाइल है, और टीचर का एक स्टाइल डेवलप हो जाता है, वो टीचर ही है शुरू से, तो शायद उनका एक स्टाइल डेवलप हो चुका है, और अब भी वो क्लास ही पढ़ा रही होती हैं, और कुछ एज फैक्टर भी होता है, तो उनकी कम्युनिटी, उनका वहाँ पे एनवायरनमेंट, कुछ उनकी हेल्थ के इश्यूज़, तो ये सारी चीज़ें मिलके तो वो थोड़ा सा हैं जिसको कह सकते हैं कि एक सख्त गिर टीचर के तौर पे हैं। तो वैसे वो पर्सनली मेरे ख्याल को इतनी वो है सख्त गिर, लेकिन जब वो क्लासरूम में हैं, जब वो पढ़ा रही हैं, तो एक सख्त टीचर हैं, वो किसी को माइक और म्यूट भी नहीं करने देती, कैमरा भी नहीं म्यूट करने देती, ऑफ नहीं कैमरा करके आप क्लास में बैठ सकते, तो उनका एक स्टाइल है, तो वो उसी पर काम कर रही हैं, उसी पर सीख रही हैं, लेकिन लोग सीख रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर लाखों लोग हैं उस क्लास से फ़ायदा उठा चुके हैं, अब भी सिखा रहे हैं, तो आई विश के वो ये सिलसिला कंटिन्यू रहे। सर आप उस इंसान को कब एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि मैं मेरा ये सवाल था कि एक अच्छा इंसान, आप एक अच्छे इंसान को कब जाके मानते हैं,
उसमें कौन सी प्रॉपर्टीज हो जिससे आप संतोष को तब कब मानते हैं इंसान, ताकि ये उसमें गुण हो, संतोष क्या अच्छा बोल, क्या अच्छा उसको बोलना आना चाहिए, क्या उसको तमीज़ आनी चाहिए, या उसकी तरबियत अच्छी होनी चाहिए, या उसकी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, ये प्रॉपर्टीज़ आप क्या यानी क्या मेन्यू है प्रॉपर्टीज़ के? अच्छा इंसान वो होता है जिसकी कंपनी के अंदर जब आप बैठें तो आपको ये फील ना हो कि आप कुछ एलियन हैं उसके लिए, आप कुछ अजीब से हैं उसके लिए, आपको ये ना लगे कि यार वो बंदा बहुत ऊंचे सिंहासन पे बैठा है, बहुत ऊंचा है, या ऐसा ना लगे कि यार वो बंदा बिल्कुल नीचे है आपसे, तो आप उसके लेवल पे हों। लाइक अगर आपका लेवल जो है वो बंदा उस लेवल को मीट कर रहा है आपके साथ बात करते हुए, फॉर एग्जांपल अगर मुझे इंग्लिश नहीं अच्छी आती है तो आप मुझे बात करते हुए 5-7 अल्फाज इंग्लिश के बोल देंगे तो डेफिनेटली मैं कन्फ्यूज़ हो जाऊँगा और फिर मैं बात नहीं करूँगा। तो अच्छा इंसान, अच्छा कम्युनिकेटर वो होता है जो अगले बंदे के हिसाब से कम्युनिकेट कर रहा होता है, ना कि अपनी एफिशिएंसी जो है वो दिखा रहा होता है, अपने आप को उतार रहा होता है। तो बेहतरीन इंसान मेरी ज़ात के नज़दीक वो है कि जब वो कोई भी बात करे तो वो नेक्स्ट बंदे की बात को देख के, नेक्स्ट बंदे की सोच को देख के बात करे, बजाय ये कि वो अपना लेवल बताने की कोशिश करे। आपका लेवल तो पता चल ही जाएगा जब वो बात करेंगे तो, लेकिन अगले बंदे के लेवल के आप उसको समझाना, ये एक बड़ी बात होती है। तो अच्छे इंसान की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो आपके साथ अच्छा होता है। संतोष बहुत अच्छा है, मेरे साथ अच्छा नहीं है तो मेरे लिए कोई अच्छा नहीं है। संतोष 1,00,000 लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, जब मुझसे कोई बंदा रिव्यू लेगा तो मैं ये कहूँगा कि मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन अगर मेरे साथ अच्छा किया हुआ है तो 1,00,000 लोग खिलाफ होंगे तो मैं हमेशा ये कहूँगा यार हो सकता है आपके साथ नहीं ठीक, लेकिन वो बंदा अच्छा है। तो अच्छे की तारीफ हमेशा ये होती है जो आपके साथ अच्छा होता है। तो इसलिए आप किसी एक बंदे के साथ, किसी भी जिस बंदे के साथ बैठें, हमेशा उसके साथ अच्छे होने की कोशिश करें, तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे सब लोग आपको अच्छा समझेंगे। सर जिंदगी में आपने वो कौन सा डिसीजन लिया जिस डिसीजन लेने के बाद आपको लगा कि यार ये डिसीजन लेने से मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ? शादी कर ली मैंने। ये बड़ा मुश्किल है, बातें सुन रही होगी पीछे। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी। सो मुझे नहीं लगता कि मेरी जिंदगी में कुछ डिसीजन ऐसा था कि जिससे मुझे लगा गलत हो गया। मुझे अपने वक्त का ख्याल आता है कि मैंने 2007 में मास्टर्स किया था और 2015 तक मैंने अपना टाइम जो है किसी इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं लगाया। 2015 तक 8 साल मैंने कोई क्वालिफिकेशन इम्प्रूव नहीं की, खुद के ऊपर कोई काम नहीं किया, तो वो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी के अंदर जो है वो टाइम जो है वो वेस्टेज की तरफ चला गया। वो टाइम सिर्फ और सिर्फ एक परमानेंट रूटीन के ऊपर था, तो मेरा ख्याल था कि वो टाइम जो है ना वो ज़ाया नहीं होना चाहिए था, और उसकी भरपाई के लिए अब मैं जाहिर है अपनी एफर्ट्स कर रहा हूँ ताकि मज़ीद टाइम ज़ाया ना हो, सीखने की कोशिश कर रही। काफ़ी लोग कहते हैं कि शादी के बाद कंप्लीट लाइफ चेंज हो जाती है, क्या ये हकीकत है, क्या चेंजिंग आती है लाइफ में? मेरी तो लाइफ इसलिए चेंज होगी कि मैं घर में नहीं रहता था, मैं हॉस्टलाइज रहा हूँ शुरू से, तो मेरे लिए तो लाइफ वाकई चेंज होगी कि मुझे घर में ले और घर के साथ बेगम भी मिल गई, बच्चे भी आ गए, तो ये एक लाइफ मेरी में तो ट्विस्ट था, चेंज था। लेकिन जाहिर है शादी के बाद जाहिर है आप अकेले रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल पहले कहते हैं कि शादी कुंवारे होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि बैठ के दोनों जाने से उतर सकते हैं, और फिर शादीशुदा होने का एक नुकसान ये है कि आपको बैठ किसी एक साइड से उतरना होता है, और फिर कुंवारे जब होते हैं तो आपको कोई पाबंदी नहीं होती कि आपने जो खाना है उसकी तारीफ़ ही करनी, लेकिन शादीशुदा होने के लिए ज़रूरी है कि आप जो खाएँ उसकी तारीफ ही करें। तो लाइफ चेंज होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यही समझें कि हमेशा लाइफ बुरी होती है। हाँ लाइफ अच्छी होती है, बेहतर होती है, जाहिर है आपके साथ एक फैमिली जब आती है तो आपको थोड़ा डिसिप्लिन भी ज़्यादा बेहतर हो जाता है, तो आपको उस बंदे की ज़िंदगी भी बेहतर बनानी चाहिए जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, बजाय ये कि आप सारी दुनिया के लिए अच्छे हो जाए, लेकिन जब आप घर में एंटर हो तो आप सुल्तान भी बन जाए और आप कहें कि मैं जो सख्त गिर किस्म का एक खावन हूँ और लोगों के लिए बड़ी मैं अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं घर में दाखिल हूँ तो घर वाले मुझसे थर थर कांपने, तो वो बाहर के करेक्टर का आपको कोई फ़ायदा नहीं। और एक इंसान जो है ना आम रूटीन के अंदर रोज़ाना 21 करेक्टर प्ले कर रहा होता है, आप बेटे भी हो, आप भाई भी हो, आप हस्बैंड भी हो सकते हो, आप भतीजे भी हो, आप किसी के कज़न भी हो, किसी के चचा भी हो, किसी के स्टूडेंट भी हो, किसी के टीचर भी हो, तो आमतौर पर 21 करेक्टर हम रूटीन के अंदर प्ले कर रहे होते हैं नॉर्मल इंसान भी, तो हर करेक्टर के अंदर आपको उसी करेक्टर के अंदर ढलना होता है। आप जो कम्युनिकेशन मुझसे कर रहे हैं वो अपने वालिद साहब से, अपने भाई से नहीं कर सकते, और इसी तरह जो कम्युनिकेशन आप अपने फ़ोन के ऊपर अपने फ्रेंड से, अपने फैंसी से कर सकते हैं, वो किसी
दोस्त से नहीं कर सकते। तो हर करेक्टर के अंदर आपको उस तरह फिट होना पड़ता है। तो सेम एज शादी के अंदर भी है कि आपको उस तरह फिट होना पड़ता है। आपने जो ड्रेस पहना होता है ना, हर ड्रेस की फिटिंग अलग होती है। तो अगर आप ये कहें कि मैं शलवार कमीज जो है ना इसके साथ जिप वाली पॉकेट लगवा दूंगा एक साइड पे, तो वो भी अजीब लगेगा। एंड सेम एज अगर आप कहें कि मैंने शलवार कमीज पहनी एक साथ टाई लगा दूंगा, तो वो भी अजीब सी लगेगी। तो आपको हर रोल के अंदर खुद को एडजस्ट करना पड़ता है और उस रोल के मुताबिक अपना आप चलाना पड़ता है, तो आप जिंदगी बड़ी खूबसूरत गुजार सकते हैं। सर मैंने जी तो संतोष थैंक यू सो मच आप हमारे साथ हैं जी, कह रही हूँ। सर सवाल ये था, क्योंकि आपसे बहुत कुछ सीखना है, सवाल जारी रखना। सवाल ये था कि जिंदगी जो है ना, मैंने जो इंटरव्यू किए लोगों से अजीब जवाब मिले मुझे जिंदगी के बारे में। कहा ये जिंदगी क्या है? तो किसी ने कहा जिंदगी लाके बिरयानी प्लेट, जिंदगी एक बिरयानी की प्लेट है जिसमें तीखापन है, जिसमें मीठापन है, और जिंदगी एक लाके मैथामेटिक प्रॉब्लम उसको सॉल्व करो, जिंदगी एक एग्ज़ाम है उसको खत्म करो, हल करो। तो आप किस नज़र से जिंदगी को देखते हैं और आपकी नज़र में जिंदगी की डेफिनेशन क्या है? ये जो आपने बातें की ये बड़े 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 लोगों की बातें हैं, बिल्कुल सही उन्होंने ये बातें की। मेरी नज़र में ज़िंदगी ये है कि आपका जो दिन है सुबह से लेकर शाम तक, जाहिर है आप जिस भी रोल में हैं वो गुजर ही जाना है, लेकिन उस सारे दिन के अंदर अगर आपकी ज़िंदगी आपके एक दिन के अंदर किसी एक बंदे के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, किसी एक बंदे का आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, तो फिर ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं। वरना तो इंसान भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हैवान भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और चिरंद परिंद भी सारे दुनिया ज़िंदगी गुजार रही है। लेकिन अगर आप किसी का मसला हल नहीं कर सकते ना, आपकी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। और वो मसला हल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं चाहिए होते हैं। मसला हल करने के लिए किसी परेशान के इंसान के चेहरे पर स्माइल लेना, ये भी एक मसला हल हो जाता है। और किसी बंदे का गुस्से के साथ आप उसे पेश आना और उसके जवाब में आपको मुस्कुरा देना, ये भी मसले का हल होता है। तो आप किसी एक बंदे का अगर रोज़ाना एक मसला हल कर देते हैं ना, आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अदरवाइज़ ज़िंदगी गुजारना और ज़िंदगी जीना दो अलहदा चीज़ें हैं। तो ज़िंदगी गुजर तो हर एक बंदे की रहेगी, लेकिन ज़िंदगी जिएगा वो बंदा जो लोगों के लिए ज़िंदा होगा। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी गुजारते हैं और वो क्या करते हैं कि 40 साल की उम्र में ज़िंदा होते हुए फौत हो जाते हैं, लेकिन दफनाए वो 60-70 साल की उम्र में जाते हैं। तो वो जो 20-25 साल होते हैं ना, वो बेसिकली एक वो ज़िंदा लाश की तरह होते हैं। वो हमेशा गाँव में बैठते हैं, लोगों को ऐसी बातें करते हैं जिससे लगता है कि स्मेल आ रही है, तो नेगेटिव गुफ्तगु करते हैं। तो ऐसे लोगों से परहेज कर लेना चाहिए। आप अगर ज़िंदा हैं तो ज़िंदा लोगों के मसाइल हल करें, अदरवाइज़ बहुत सारी दुनिया में आपकी इर्द-गिर्द चीज़ें सांस ले रही हैं, लेकिन वो मसाइल हल नहीं कर सकती, मसाइल पैदा कर सकती हैं। एक और चीज़ है कि जो इंसान अच्छा होता है वो लोगों के लिए अच्छी तरह से करेक्टर प्ले कर रहा होता है। जो वो हमने डंग वाली मिसाल बिच्छू की सुनी है ना, कि जो पानी से निकाला तो वो डंग मार रहा था, तो बेसिकली बिच्छू के पास सलाहियत ही डंग मारने की, तो वो उसके पास कुछ भी नहीं है। अब वो शुक्रिया भी अदा करेगा तो वो डंग मार भी करेगा। इसलिए कई लोगों से आपने सिर्फ डंग ही खाने हैं, लेकिन आपने अपना काम नहीं छोड़ना। आपने ज़िंदगी वैसे ही गुजारनी जैसे आपका करेक्टर है, और आपका करेक्टर वो होना चाहिए कि कोई आपको डंग भी मार रहा है तो आपने फिर भी उसकी ही मांग ली। कि हमारे पेरेंट्स सबसे पहले हमारे वो उस्ताद, और हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। ऑलरेडी आपने भी काफ़ी चीज़ें सीखी थी, तो उनमें से आप हमें दो तीन पॉइंट बताएं कि संतोष मैंने अपने पेरेंट्स से ये सीखी। और आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि हमारे जब हम बड़े मकाम पे पहुंच जाते हैं तो हम अपने पेरेंट्स को ये कोशिश करते हैं कि हमसे दूर रहें, यानी बोझ पड़ जाता है। तो ये सिचुएशन क्यों पैदा होती है, और यानी कि ये क्यों हो रहा है कि हमारे लोग जो हैं अपने पेरेंट्स को बोझ? मेरे जो अरसा है मेरा हॉस्टलाइज हुआ, मेरे वाले साहब को शौक था कि मैं अच्छी तालीम हासिल करूँ, इसलिए मुझे उन्होंने शुरू से हॉस्टल में रखा। तो मेरा वाले साहब वालदा के साथ इतना वक्त नहीं गुजरा, लेकिन जितना वक्त गुजरा जो चीज़ें उन्होंने बताई वो आज भी मेरे लिए उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी उनकी ज़िंदगी में थी। वाले साहब का 2006 में इंतकाल हो गया था, 15 साल हो गए थे। लेकिन जो वो डिसीजन जो वो बातें कर गए थे वो बातें आज भी मुझे इसी तरह याद हैं जैसे हाफिज़े के ऊपर नक्श हुई होती थी। और आज भी मैं अगर सुबह उठ के उनको कोई लफ्ज़ याद करना चाहूँगा तो वो हर बार मुझे अब भी याद है। मुझे नहीं पता इसकी वजह क्या है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली मेरे करेक्टर पे इम्पेक्ट हो गई है। अब उनके बगैर कोई मसला
ऐसा नहीं कि जो मैं हल नहीं करता उस गाइडलाइन के बगैर उनकी। दूसरी बात यह है कि मेरी वालदा का रोल मेरे वालिद साहब की ज़िंदगी में जो भी था, लेकिन वालिद साहब की ज़िंदगी के बाद मेरे घर के अंदर वालदा का रोल हरफ आखिर है। वो गलत भी हैं तो वो सही होती हैं, और वो सही हैं तो तब भी सही हैं। तो फाइनल डिसीजन हर सूरत में वालदा ने जो कर दिया, हमने दो बहन एक बहन, तो हमने कभी उनके दूसरी आर्ग्यू नहीं किया, अपनी कम्युनिकेशन कर ली, अपनी बातचीत कर ली, लेकिन उसके बाद डिसीजन उनका। तो अगर आप बड़े लोगों से वो काम उनके लिए करते हैं जिससे उनके दिल की दुआएं खुलती हैं, तो याद रखिएगा कि आपके बहुत सारे मसले ऐसे हल हो जाते हैं जिनके अंदर आप काबिलियत की वजह से हल नहीं कर सकते, तो वो कबूलियत की वजह से हल हो जाते हैं। तो कबूलियत के लिए ज़रूरी है कि जिस इंसान को, जिस शख्स को सबसे बड़ा आपको पीर मानना चाहिए, उससे दुआएँ मंगवाएँ ना, बल्कि दुआएँ वो खुद से दें। तो ये बड़ा ज़रूरी है। हमारे एक सिस्टम में ये भी हो गया कि हम जब थोड़े से बड़े होते हैं तो हम कहते हैं हम समझदार हो गए, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि जो आपसे पहले समझदार थे वो अब बेवकूफ़ नहीं हैं। उनका जहन, उनकी अकल अब भी आपसे ज़्यादा ही है। तो आप अपनी अकल इस्तेमाल करें, लेकिन उनका अदब किसी सूरत में कम ना होने दें, और उनकी बात को अब भी हर पे आकर समझें। और वो कहते हैं कि हमारा तो दीन इस बात पे हमें कहते हैं कि माँ बाप का अदब करो, चाहे वो मुशरिक ही क्यों ना, चाहे वो इस्लाम से हटे हुए ही क्यों ना हो, कह जाए कि वो इस्लाम से हटने का तरस ना दे। तो बाकी आप उन माँ बाप की खिदमत करना भी आपका फ़र्ज़ है जो किसी और मज़हब से, आपके माँ बाप तो आप ही से अगर मज़हब से हैं तो फिर फ़र्ज़ आपका बेनतहा हो जाता है। लिहाजा माँ बाप के हवाले से दूसरी मेरी राय नहीं है कि अगर आपके वालदैन में से कोई भी हयात हैं, उनकी राय हरफ आकर समझें, और आखिर में अगर आपको लगता है कि ये गलत फैसला भी कर रहे हैं तो उनसे ये कह दें कि दुआ करें। और वो सनी अली कहते हैं कि हमने कामयाब लोग, हमने जो अकलमंद लोग हैं ना, वो सनी अली कहते हैं कि हमने अकलमंद लोगों को नसीब वालों की नौकरी कर देते, नसीब करने वालों, नसीब वालों की नौकरी कर देते। तो अल्लाह से नसीब मांगो, अकल ना मांगो, क्योंकि तुम्हारी अकल किसी न किसी जगह पर जाके उसकी बस हो जाएगी, लेकिन नसीब अगर तुम्हारा बेहतर हो जाएगा तो उसकी बस नहीं होगी। तो आपका नसीब जो है वो दुआओं से बदलेगा। तो दुआएं जो आपको माँ और बाप जितने खलूस से दे सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा पीर भी उतने खलूस से आपकी दुआएँ। सर मैं यही चाहता हूँ कि ये जो इंटरव्यू रहा है, मैंने बड़ी कोशिश की, हम एक ही टीम में रहें, और आपने भी कोशिश की, मैंने भी कोशिश की, वो नहीं हो सका, और अल्लाह ताला ने हमें यहाँ बुलाया और ये इंटरव्यू यहाँ हुआ। फिर मैंने आपसे बहुत कुछ चीज़ें सीखी। सब मुझे ये बताया कि आपकी ज़िंदगी में वो कौन सा लम्हा है, लम्हा था जिस पर आप बहुत खुश हुए हैं, और वो क्यों खुश हुए? तो ऐसा लम्हा मुझे कुछ ऐसी याद नहीं है खुशी की। मुझे जहाँ तक याद है कि जितने भी लम्हात हैं इंसान के लिए खुशी लिमिटेड सी होती है। मेरी वालदा जब जब मुझे दुआएं देती हैं तो मेरे लिए वो लम्हा हमेशा बहुत बेतहा खुशी का होता है, और मुझे ऐसे उनकी दुआओं पे ऐसे यकीन है वो दुआएं जो देती हैं, तो मुझे ये लगता है कि मैं इस दुनिया से जा नहीं सकता जब तक वो दुआएँ पूरी ना हों। तो मुझे इतना यकीन है, और वो खुशी का ही लम्हा होता है जब वो कोई दुआ देती हैं, और दुआएँ ऐसी देती हैं कि जो मैं उनसे नहीं कहता कि मेरे लिए दुआ करें, लेकिन वो खुद से कर रही होती है। तो वो लम्हात बड़े खुशी के होते हैं। इसके अलावा जितनी भी आपकी खुशियाँ हैं वो एक थोड़े अरसे के लिए होती हैं। आपको मतलब एक चीज़ जो है, फॉर एग्जांपल आपको भी कहा जाए कि आपको बाहर निकलेगा तो मर्सिडीज़ आपको मिलेगी, तो आप बाहर निकलेंगे बाकी एक मर्सिडीज़ खड़ी होगी, तो आप उस मर्सिडीज़ में एक दिन बैठेंगे, थोड़ी देर गाड़ी चलाएंगे, उसके बाद आप कहेंगे ये कोई बड़ी बात नहीं है, अब जो है मेरे पास हेलीकॉप्टर होने से चाहत बढ़ती है। तो खुशी एक वैसे लिमिटेड सी है। इंसान के इमोशंस बड़े, इंसान के जो मैक्सिमम इमोशन का टाइम है वो 12 मिनट है। आप 12 मिनट तक दुखी रह सकते हैं, 12 मिनट तक खुश रह सकते हैं। अब उस दुख को आप कितना प्रोलोंग करेंगे, सालों तक ले दें, कि लोग जो है वो किसी दौर में किसी के लिए नस काट लेते हैं और फिर किसी और जगह पे खुशी खुशी शादी भी कर लेते हैं, और कई लोग जो है वो खुशी को प्रोलोंग कर लेते हैं कि ज़िंदगी की अगर खुशी आई है तो उसको इन्जॉय कर देते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। हम सालगिरह क्यों मनाते हैं, शादी की सालगिरह, बच्चों की सालगिरह इसलिए मनाते हैं कि हम उस खुशी को प्रोलॉन्ग करना चाह रहे हैं, उस खुशी को रिपीट करना चाह रहे हैं।
तो खुशी के बहुत सारे लम्हा ज़िंदगी के अंदर आए और गुजर गए। तो ओवरऑल ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा मैं नहीं समझता कि कोई परेशानी का ऐसा लम्हा आया कि जिसके बाद आप समझें कि ये खुशी है। हर रोज़ के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि एक मुतमईन पुरसकून ज़िंदगी में गुजार रहा हूँ। मुझे अल्लाह ने वो दिया जिसके मैं किसी सूरत भी काबिल नहीं था, लेकिन उसकी अता से मुझे वो सब कुछ मिल गया और वो मुझे हर रोज़ अता कर रहा है। मेरे मसाइल से पहले, मेरे मसाइल के पैदा होने से पहले उनके हल वो मुझे दे रहा होता है। कहते हैं कोई ताला नहीं ऐसा होता जिसकी चाबी ना हो, तो वो मेरा रब, मैं ऐसे मसाइल में गिरता हूँ तो वो लगता है जैसे वो उसके हल पहले से वो तैयार हुए। तो वो हल जो है वो मैं चंद लम्हात में, चंद घंटों के लिए उसके लिए परेशान होता हूँ और फिर वो मसले खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाते हैं। तो ये अल्लाह की तरफ से अता है, ये खुशी है, हर रोज़ मिलती है। इसके लिए शायद लोगों की वो हेल्प करने का एक दिल में है, किसी न किसी की हेल्प कर दो, किसी न किसी के लिए काम आ जाओ, किसी न किसी का वो काम कर दो जो आपका जिम्मा नहीं भी है। तो ये उस वजह से शायद सारी राहतें हैं, शायद सारे सुकून हैं, शायद सारे रिजवान सर। बाज़ औक़ात इंसान कभी इतनी कामयाबी के पा लेता है और उसके बाद भी वो रियल खुशी नहीं पा सकता, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम छोटी छोटी कामयाबियों से बड़ी खुशियाँ हासिल करें। ये खुशी जो है ना, ये बड़ा दुनिया का अहम सवाल है कि खुश इंसान कैसे हो सकता है और मुतमईन कैसे हो सकता है। मैं रिसेंटली किसी से मिल के आया हूँ, मिली नहीं रहा और जब मुझे उसने बताया कि मेरे घर के ये हालात है तो मुझे बड़ी शदीद परेशानी हुई। हमारे घरों में अमूमन हम मिडिल क्लास के लोग हैं तो हम ये समझते हैं कि हमारे घर में पैसा ना होना हमारे परेशानी का राज हो। तो जो शख्स बिलियनियर हो उसको पता भी ना हो कि उसके पास कितना पैसा है, और जब उसको घर के हालात ऐसे हों कि वो कहे कि मैं घर में जा नहीं सकता क्योंकि सुकून ही नहीं है, तो वो फिर आप खुशी किसको कह सकते हो। तो खुशी एक इंटरनल फीलिंग का नाम है। आपने झोंपड़ियों के अंदर लोगों को खुश होते देखा, कहके लगाते देखा होगा, और आपने बड़ी बड़ी कोठियों के अंदर लोगों को लड़ाई झगड़े करते देखे। तो खुशी को आप किसी एक चीज़ के साथ जोड़ नहीं सकते कि ये चीज़ मिल जाएगी तो खुश होंगे। खुश आप इंटरनल फीलिंग से होते हैं और इंटरनल फीलिंग उस वक्त आती है जब आप इत्मीनान से ज़िंदगी गुजारते हैं, आप मुतमईन होते हैं और जो कुछ आपके पास होता है ना आप उससे राज़ी हो जाते हैं। और वो वासिफ अली वासिफ साहब का कॉल है ना, खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पर खुश है। तो आपका जो नसीब है अगर आप उस पर खुश हो जाते हैं तो आप खुश फील करें, खुश नसीब रहेंगे। और जो हासिल ला हासिल की तलब है ना, वो हासिल का नशा भी आप शुरुआत कि आपको एक चीज़ हासिल ही नहीं हुई लेकिन जो आपके पास मौजूद है। मैं अगर कहूँ कि मेरे पास जो गाड़ी है वो हो तो क्या बात है, तो जो मेरे पास चीज़ है, जो बाइक है, वो उसका भी वो फजूल लगेगी कि ये क्या चीज़ है, उसको मैं इंजॉय नहीं कर सकूँगा। तो मैं जो मेरे पास है, मेरे पास बाइक है तो मैं उसको इंजॉय कर रहा हूँ, उसको इंजॉय कर रहे हैं तो आप उस गाड़ी वाले से ज़्यादा खुश नसीब हैं। जो बाइक का जो मज़ा है वो गाड़ी में नहीं, गाड़ी में नहीं, वो गाड़ी में होगा लेकिन अगर आप गाड़ी में रह के भी उतने खुश होंगे, अगर आप गाड़ी में रह के इतने खुश हैं कि आपको लगे यार हेलीकॉप्टर होता ना तो फिर मज़ा आ जाता, तो फिर आप खुश नहीं। तो आप जिस जिस लम्हे में है ना, जिस लम्हे में तुम जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा है, जिस लम्हे में तुम जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा है। ये थे हमारे रिजवान अकरम क्लास वाले साहब। तो सर मैं आज आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, आप मैं आपको बड़े भाई की तरह मानता हूँ और आपको उस्ताद की तरह मानता हूँ, तो हमें मुझमें मुझे क्या करना चाहिए कि हम मैं अपने आप को और बेहतर बनाऊँ। आपने मेरे साथ एक घंटा हमें बिताया तो कुछ बताया। मेरा तो कंसेप्ट जो है ना वो कामयाब होने के लिए एक बड़ा डिफरेंस है। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो नाकाम हो, हर उस काम के अंदर पंगा लें जहाँ से आपको फेलियर का फील होता है, जहाँ से आपको लगता है कि ये मैं फेल हो जाऊँगा ना वो काम करके देखें। जिस जिस काम से आपको खौफ आता है ना उस काम के अंदर हार जरूर डालें। जिस जिस जगह पर आपको लगता है कि ये काम मेरे बस का नहीं है वो ज़रूर ट्राई करें। जितने जल्दी आप नाकाम होंगे उतने जल्दी आप कामयाब होंगे। और दुनिया के अंदर जो सबसे कामयाब लोग होते हैं ना वो ज़िंदगी के 90% नाकाम होते हैं। तो आप जितनी स्पीड से नाकाम हो जाते हैं उतनी स्पीड से आप कामयाब होते हैं। हमारे यहाँ एक इशू ये भी है कि हम नाकाम भी होना नहीं चाहते। हम ये कहते हैं कि हम ये काम करें तो बस कामयाब हो जाए, हम ये पहली जॉब के ऊपर सीवी दें और अगले फ़ोन करके कहें कि जनाब आप आ जाए। हम ये समझने को तैयार ही नहीं है कि आपको 90 और 100 एप्लीकेशन देनी पड़ेंगी तो फिर आप 10 जॉब की सिलेक्ट करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब हों तो आप हर उस काम के अंदर हाथ लगाएं, हर उस काम को ट्राई करें हाथ लगाने के जहाँ से आपको खौफ आता है कि ये नाकाम हो जाएंगे। जितनी जल्दी आप नाकामी देख लेंगे ना आपको खौफ खत्म हो जाएगा नाकामी का,
और फिर आप बड़े बड़े रिस्क ले सकें। और दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क ये है कि आप कोई रिस्क ही ना लें। तो आप जितना जल्दी नाकाम होना शुरू हो जाएंगे उतनी जल्दी कामयाब होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपको परवाह नहीं होगी कि आप नाकाम हो जाएंगे तो क्या क्यामत होगी। लोग यहाँ रिजल्ट खराब आ जाता है तो खुदकुशियाँ कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने नाकामी को देखे नहीं होता। हमारे सिस्टम ने नाकामी सिखाई नहीं, हमारे सिस्टम ने कामयाबी सिखाई कि बस कामयाब हो जाओ, बस कामयाब हो जाओ, बस नंबर ले लो, बस पास हो जाओ। ये नहीं सिखाया कि फेल हो जाओगे तो क्यामत का इम्तिहान नहीं है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि आप इस इम्तिहान में फेल हो जाएंगे तो ये क्यामत का इम्तिहान नहीं है, जिसके जन्नत और जहन्नम के फैसले होने हैं। आपने इसी दुनिया में रहना है, आप इस साल पास नहीं हो गए अगले साल पास हो जाएगी, उसके बाद भी पास नहीं, अगले साल भी पास हो जाएगी। मैं अपने बच्चों के लिए कहता हूँ कि मेरा बेटा 14 साल की उम्र में मैट्रिक कर ले, 24 साल की उम्र में मैट्रिक कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़िंदगी उस मैट्रिक की डिग्री के बेस पर नहीं गुजारी जानी, ज़िंदगी उन चीज़ों के ऊपर गुजारी जानी है जो उसने सीखनी है। तो उसने जो सीखना है ना, वो मैट्रिक की डिग्री उसके अल्फाज नहीं बताएंगे। उसने जो सीखना है वो उसका करेक्टर बताएगा, उसका वर्क बताएगा, उसकी स्किल बताएगी, उसकी कमिटमेंट बताएगी। तो लाइफ स्किल डिफरेंट हैं उन टेक्निकल स्किल्स के मुकाबले में जो हम सीख रहे होते हैं। तो डिग्रीज आप लें, लेकिन उन डिग्रीज की बैक एंड पे जो चीज़ें सीखने वाली हैं वो सीखें। और उसके लिए ज़रूरी है कि फेलियर को दिमाग से निकाल लें, हर चीज़ वो ट्राई करें जहाँ से नाकाम होने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है, और हर उस इंसान से बात करें जिसने नाकाम होना सीख के कामयाब हुआ। हर बंदा आपको सक्सेस स्टोरीज बताएगा, हर बंदे से जब आप बात करेंगे वो ये कहेगा सक्सेस स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी है। आप फेलियर की स्टोरी सुनें, जब आप फेल होना सीख लेंगे ना, नाकाम होना सीख लेंगे, फिर आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकता, क्योंकि आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाकाम हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, 9 दफ़ा नाकाम हो गए, 10वीं दफ़ा नाकाम हो जाएंगे, परेशानी कोई नहीं होगी। वो कहते हैं कि वो थॉमस एडिसन ने जो बल्ब ईजाद किया था वो 1000 कोशें, 9000 कुछ लोग 9999 कोशें कहते हैं, 10000 दफ़ा। तो वो 9000 कोशें, हम में से कितने लोग हैं जो 9 कोशें करने के बाद 10वीं कोशिश करते हैं? हम तो कहते हैं हम पागल हैं, हम बेवकूफ़ हैं कि हम फिर लगे। तो आप भाई फिर लगे रहेंगे, कामयाबी आप ही को मिलेगी, लेकिन अगर आप नाकाम बर्दाश्त कर सकते। क्या खूबसूरत जवाब दिया सर आपने। सर मैं जानना चाहता हूँ कि रिजवान अकरम साहब हैं, उनकी सबसे बड़ी थी कौन सी ख्वाहिशात? तीन ख्वाहिशात ये हैं कि मैं जैसा बेटा हूँ, मैं उससे बेहतर जो है बाप बन सकूँ, मैं इस नेशन को या इस मुल्क को अपने से बेहतर जो है अगली जनरेशन दे के जा सकूँ। दूसरा मैं ये चाहता हूँ कि जिस मुल्क के अंदर, जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ, जहाँ पे मैंने सांस लेना शुरू की है, इस मिट्टी से मैं पैदा हुआ हूँ, मैं जैसे इस मिट्टी के अंदर मैंने इसको देखा है, मैं आने वाली नस्लों को इससे बेहतर मुल्क दे के जाऊँ। और वो मुल्क क्योंकि मेरे बस में नहीं है, लिहाजा मैं अपने बस में जो कुछ है वो बेहतर दे के जाऊँ। तीसरा मैं ये चाहता हूँ कि जब मुझे कोई बंदा मेरा नाम ले तो हमेशा उनके चेहरे पर स्माइल आए, इस बंदे ने ये काम किया था, और अजीब इंसान था कि वो ये ऐसा काम कर गया जिससे सब लोग कहते थे कि ये फेल हो जाएगा, ये नाकाम हो जाएगा, उसने काम मार कर। तो मुझे ये तीन ख्वाहिशें हैं कि ऐसा काम होना चाहिए, मैं ऐसा काम कर लूँ, इससे लोग ये परवाह ना करें कि यार इसके बाद अब फेलियर की गुंजाइश नहीं रह थी, इतना बंदा नाकाम हुआ था उसके बाद नाकामी की गुंजाइश नहीं थी, उसने कामयाब भी होना। तो बस मैं ये चाहता हूँ, मेरी कोई बड़ी ख्वाहिश। बहुत खुशी हुई सर आपसे बातचीत करके, ये मेरे लिए एक बड़ी इजाज़त की बात है कि मैं हमारे उस्ताद के साथ बैठा हूँ, और मैं चाहूँगा कि हमारे दोस्तों के लिए ये सारा इंटरव्यू एक पूरा मैसेज है, लेकिन एक छोटा सा मैसेज जो आप चाहते हैं कि अगर लोग ये सुन पाए तो उनकी लाइफ चेंज हो सके। मैसेज तो बड़े लोग दिया करते हैं, तो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे क्या पैगाम देंगे, हम तो स्कूल के भी बच्चे पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं, ऐसे लोगों से सीख रहे हैं। और जितनी मैंने बातें की इनमें से कोई बात मेरी ज़ाती इख्तरा नहीं है, मैंने खुद से कोई बात नहीं की है, ये लोगों के मुंह की बातें जो मेरे कानों में पड़ी हैं और मैंने अपने पास से अदा कर दी। तो लोगों के लिए पैगाम यही है कि बस जिस चीज़ से आप घबराते हैं उस चीज़ को एक दफ़ा करके देखें, और जितने हम रोने बचाते हैं उनके बजाय हम उन रोनों के हल ढूंढना शुरू कर दें, तो हम अपने लिए भी बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं और अपने से जुड़े हुए लोगों के लिए एक नई रोशन सुबह का आगाज़ कर सकते हैं। जी बहुत अच्छा लगा सर आपका, मैं तय दिल से शुक्रगुजार हूँ। और एक लास्ट में आपके लिए शेयर करना चाहूँगा कि करना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है, बढ़ते हैं जब उठने को हाथ, मुँह का पता चलता है, करना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है,
बढ़ते हैं जब उठने को हाथ अपनों का पता चलता है, जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं, जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं, मैंने झूठों को हमेशा मुस्कुराते हुए देखा है, सीख रहा हूँ मैं भी इंसानों को पढ़ने का हुनर, गुलाम सर सीख रहा हूँ मैं भी इंसानों को पढ़ने का हुनर, सुना है किताबों से ज़्यादा चेहरों को। तो आपका दोस्त संतोष केसरानी रिजवान सर के साथ, और खुश रहें, आबाद रहें, थैंक यू सो मच देखने के लिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।